चलिए जल्दी से एक पहेली पूछता हूँ और आप उसका आंसर दीजिएगा। एक जापानी जहाज होता है और उसका कैप्टन जो होता है वो सुबह उठने के बाद वॉशरूम जाता है और जाने से पहले वो खिड़की के पास अपनी कीमती घड़ी और सोने की चेन रखकर चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो चेन गायब और घड़ी भी गायब। उसके क्रू में सिर्फ 4 मेंबर्स थे। उन 4 को वो बुलाता है। अंग्रेज जो होता है वो कहता है, मैं तभी स्टोर रूम में था और खाने का सामान लाने के लिए गया हुआ था, मैंने कुछ नहीं देखा। श्रीलंकन एक होता है, वो कहता है, मैं तो ऊपर डेक की तरफ था और वहां पर जो झंडा था उल्टा था, उसको मैं सीधा कर रहा था। इंडियन होता है, वो कहता है, मैं जनरेटर रूम में था, जनरेटर ठीक कर रहा था। और आखिर में होता है एक अमेरिकन कहता है, मैं तो सो रहा था, बिकॉज रात भर मैंने काम किया था, मैं अपने कमरे में ही सो रहा था। ये सब एक्सप्लेनेशन सुनते ही सिर्फ 10 सेकंड तक के लिए कैप्टन सोचता है और उसको पता चल जाता है कि उसकी घड़ी और चेन किसने चुराई है। क्या आपको पता चला? कमेंट्स में लिखकर बताइए कि असली चोर कौन है।